दोस्तों, पूरी दुनिया में आतंकवाद को पाल पोस करके बड़ा करने वाले दो ही देश हैं, एक अमेरिका, दूसरा इसराइल। और इन दोनों के आतंकवाद को दुनिया ने बखूबी देख भी लिया और समझ भी लिया। एक ने हथियार दिए और दूसरे ने उसी हथियार से आतंकवाद की पूरी प्रकाष्ठा जो है दुनिया के सामने रखी और ये बताया कि देखिए कि किस तरीके से आतंकवाद किया जाता है, जहां 40,000 से ज़्यादा लोगों को फिलिस्तीन की सरजमीं पर शहीद करने का काम किया, 17,000 से ज़्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया, 80,000 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया गया। और जब दुनिया इनके आतंकवाद की दुहाई दे रही है तो इसराइल के ऊपर से आतंकवाद का ठप्पा मिटाने के लिए अब जगह जगह जो है आतंकी घटनाएं इनके पाले हुए आतंकी संगठनों द्वारा शुरू कर दी गई। और इसकी शुरुआत जो है कल रूस में देखने को मिली कि किस तरीके से रूस के अंदर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जो कि रूस के दागेस्तान में आतंकी घुसे और कई जगह पर जो है अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी गई, जिसकी तस्वीर जो है कल दुनिया के सामने आई। और ऐसे समय पर रूस के अंदर आतंकी हमला हुआ है जब खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं, और ऐसे में लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये आतंकी हमला किया गया। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, आतंकी हमला हुआ भी तो ईसाई चर्च के ऊपर होता है, जहां चर्च के ऊपर हमले दिखाए गए, वहीं यहूदी मंदिर के ऊपर जो है हमले दिखाए गए, जहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए साहब, ईसाइयों से और यहूदियों से कितनी नफरत जो है रूस के अंदर भरी पड़ी है, पर जो मुसलमानों को लेकर के नफरत फैलाई गई है और मुसलमानों का नरसंहार करने का काम जो बरसों से अमेरिका और इसराइल कर रहा है, वो तस्वीरों को छुपाने के लिए इस बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और इन तमाम पहलुओं पर बात भी करूँगा। और इससे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां अंधाधुंध फायरिंग जो है वो चल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो चल रही है। और दूसरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से हर जगह जो है आपकी लपटे ही लपटे देखने को मिल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से ये दोनों वीडियो जो हैं ख़ासतौर पर सामने आए रूस से, और रूस में इस बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है, जहां कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और इसमें साजिश जो है वो पूरी तरीके से रची गई है, जहां 15 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं, जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूस के दक्षिण प्रांत दागेस्तान में ईसाइयों और यहूदियों के धर्म स्थल पर हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी किए जाने की खबर सामने आई। जहां गोलीबारी दागेस्तान के डर्बिट शहर में हुई है, तो वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई ने एपी के हवाले से बताया कि दागेस्तान के गवर्नर ने बताया कि बंदूकधारियों के हमलों में 15 से अधिक पुलिसकर्मियों और कई नागरिकों की हत्या कर दी गई है। वहीं सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया है। हमले में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर जो है वो लोगों के सामने आ चुकी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और ऐसे समय पर यह हमला किया गया है जहां दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की चपेट में आने वाली है, जहां एक जंग दुनिया में चल रही है हमास और इसराइल की, दूसरी जंग जो है वो छिड़ने वाली है लेबनान और इसराइल से, वहीं सबसे पहली जंग जो है वो रूस और यूक्रेन की, जो 4 साल से लगातार चल रही है। और ऐसे समय पर आतंकी हमला जो है वो रूस के अंदर करवा दिया जाता है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले किम जोंग से मुलाकात करने के लिए व्लादिमीर पुतिन दक्षिण कोरिया का
दौरा करते हैं नॉर्थ कोरिया का, और नॉर्थ कोरिया में जा करके दोनों की जो दोस्ती है उनकी मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि ये वो दोनों देश हैं जो अमेरिका को घुटने पर लाने का काम लगातार कर रहे हैं, और ऐसे समय पर दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को अंजाम दे दिया दिलवाया जाता है, जहां एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस के दागिस्तान में रविवार को आतंकवादियों ने दो चर्चों, एक सिनगॉग यहूदी मंदिर और एक पुलिस पोस्ट पर हमला किया। क्षेत्र में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शोक दिवस मनाया जाएगा। वहीं दागिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि हथियारबंद लोगों के एक समूह ने कैस्पियन सागर पर स्थित डर्बिट शहर में एक सिनगॉग और एक चर्च पर गोलीबारी की, इससे दोनों जगह पर आग लग गई। लगभग उसी समय माखचकाला में एक चर्च में और एक यातायात पुलिस चौकी पर हमले की खबर जो है वो सामने आए, जहां देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल रूस में देखने को मिला। और अगर भारतीय मीडिया की बात करें, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, तो ये साफ तौर पर बताने की कोशिश की गई कि भैया इस्लामिक जिहाद से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, इसलिए जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और वहीं अधिकारियों ने क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया और 5 हमलावरों को मार गिराया है। हालांकि गवर्नर का कहना है कि 6 बंदूकधारियों को मार गिराया है, फिलहाल इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं सुरक्षा बलों ने भी हमलावरों को मार गिराया है। हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अधिकारियों ने एक आतंकवादी अधिनियम के आरोप में एक आपराधिक जांच शुरू की है। इससे पहले देर रात आई विदेशी मीडिया की शुरुआती खबरों में इसे आतंकी हमला बताया गया। फायरिंग में चर्च के पादरी और पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत की खबर है। अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 15 से ज़्यादा हो चुका है। अब वहीं हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के दौरान रूस के सुरक्षा बलों ने कई हमलावरों को ढेर करने का भी काम किया है, और एक को हिरासत में लिया गया है, जिसकी जानकारी दी जा रही है। और रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने कानून प्रवर्तन सूत्रों के हवाले से बताया कि दागिस्तान के एक अधिकारी को हमलों में उनके बेटों की संलिप्तता को लेकर हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मेलिकोव ने कहा है कि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। उन्होंने कसम खाई है कि हमलों की जाँच तब तक जारी रहेगी जब तक कि आतंकवादियों का पता नहीं चल जाता। उन्होंने बिना सबूत दिए दावों के लिए किए गए हमलों की तैयारी विदेश से की गई हो सकती है, जिसकी जानकारी खास तौर पर बताई जा रही है कि यह साजिश की जा सकती है अमेरिका द्वारा भी। वहीं 6 अधिकारियों और पादरी की मौत की खबर सामने है। वहीं माखचकाला में शहर में पुलिस यातायात स्टॉप पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया। वहीं डर्बिट शहर में हमले के समय ही माखचला में भी हमला किया गया, जिसकी जानकारी जो है वो खुल करके लोगों के सामने रखी है। और ऐसे समय पर ये हमला रूस के अंदर किया गया है, जब रूस यूक्रेन की जंग भी अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ दोनों तरफ से कभी रॉकेट बरसाए जाते हैं तो कभी मिसाइलों की बरसात की जा रही है।